नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभुतं तं नमामि शनैश्चरं तं नमामि शनैश्चरं। बोलिए शनिदेव भगवान की। भक्तजनों, नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ शनिदेव भगवान अत्यंत शक्तिशाली हैं। इनकी अनन्य भक्ति करने वाला सदैव सुख वैभव धन संपत्ति प्राप्त करता है, परंतु न जाने क्यों इनकी साढ़े साथी से मनुष्य ही क्या देवता गण भी भयभीत हो जाते हैं। जबकि शनिदेव तो न्यायाधीश होने के कारण केवल अपने संचित कर्मों का न्याय करते हैं। इनकी शक्तियों की गाथाएं वेद पुराणों में वर्णित हैं, परंतु इनको दीनहीन और शक्तिहीन समझने की भूल का क्या परिणाम होता है, राजा विक्रमादित्य को क्या क्या भोगना पड़ा, आइए इस कथा के माध्यम से सुनाता हूँ। सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा, सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा, भक्तों बड़ी महान है। भवसागर से पार हुआ वो जिसने किया गुणगान है, जिसने किया गुणगान है। सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा, भक्तों बड़ी महान है। भवसागर से पार हुआ वो जिसने किया गुणगान, सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा। एक बार की बात है भक्तों, नवग्रहों में यह विवाद छिड़ गया कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है। जब विवाद नहीं सुलझा तो नौ के नौ ग्रह त्रिदेवों की शरण में आए, परंतु त्रिदेव भी उनके इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। इस पर देवर्षि नारद ने नवग्रहों को बताया कि पृथ्वी लोक पर विक्रमादित्य नामक एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा है, वही आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा। नारद जी की बात मान नौ के नौ ग्रह विक्रमादित्य के सन्मुख आए और वही प्रश्न दोहराया। विक्रमादित्य ने अलग अलग धातुओं के आसन बनवाए और नवग्रहों को अपनी अपनी पसंद की धातु के आसन पर विराजमान होने को कहा। आगे क्या हुआ, आइए सुनते हैं। सूर्य देव सोने पर बैठे और चंद्रमा चांदी पर, बुध ने पन्ना मंगल मूंगा राहु केतु गोमेद पर। शनि देव को लोहे की धातु तो बहुत सुहाती है, लोहे के सिंहासन उनकी दृष्टि तो पड़ जाती है। लोहे के सिंहासन बैठे, लोहे के सिंहासन बैठे शनि देव भगवान है। भवसागर से पार हुआ वो जिसने किया गुणगान है, जिसने किया गुणगान है। सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा, भक्तों बड़ी महान है। भवसागर से पार हुआ वो जिसने किया गुणगान है, जिसने किया गुणगान है। सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा। जैसे ही नवग्रह अपनी अपनी पसंद की धातु के सिंहासनों पर बैठे, विक्रमादित्य प्रसन्न मुद्रा में बोले, लीजिए निर्णय हो गया, जो ग्रह सर्वश्रेष्ठ धातु अर्थात स्वर्ण पर बैठा है वह सर्वश्रेष्ठ है, और जो ग्रह सबसे निकृष्ट धातु अर्थात लोहे पर बैठा है वह सबसे नीचे है।
यह सुनकर शनि देव का क्रोध सातवें आसमान पर चढ़ आया। मन ही मन वो बोले, राजा विक्रमादित्य, आज और अभी से तेरी साढ़े साथी प्रारंभ होती है, और वो सभा का त्याग कर चले गए। अगले दिन घोड़े का व्यापारी बन वापस दरबार में आए, उड़ने वाला घोड़ा राजा को दिखाया, तो राजा ने उस पर सवारी की इच्छा जाहिर की। आगे क्या हुआ आइए बताता हूँ। घोड़े पर जुएड़ लगाई, पवन वेग से उड़ने लगा, और घने जंगल में राजा विक्रम को वो फेंक गया। चोर लुटेरों ने राजा के गहने कपड़े लूट लिए, भूख प्यास से बेदम राजा नगर नगर फिर घूम लिए। एक सेठ ने जब देखा तो लगा भला इंसान है, भवसागर से पार हुआ वो जिसने किया गुणगान है, जिसने किया गुणगान है। सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा भक्तों बड़ी महान है, भवसागर से पार हुआ वो जिसने किया गुणगान है, जिसने किया गुणगान है। सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा। नगर सेठ ने जब विक्रमादित्य को भटकते हुए देखा, तो उसे भला मानुष समझकर अपने घर में ले आए, और उसे भोजन करवाने हेतु वहां पर बिठा दिया। इधर सेठानी अपना नौलखा हार खूंटी पर टांग कर चली गई थी। शनि देव की माया प्रारंभ हो गई थी भक्तों। जैसे जैसे विक्रम खाना खाता जाता, वो खूंटी हार को निकलती जाती। जब सेठ सेठानी ने अपना नौलखा हार नहीं पाया, तो उसे राजा के हाथों पकड़वा दिया। राजा ने भी उसे चोर जानकर उसके हाथ पैर तुड़वाए और जंगल में फेंकवा दिया। अब विक्रमादित्य को बोध हो गया कि उसने शनि देव को छोटा बताकर बहुत बड़ी भूल की है। दया के मारे एक तेली उसे अपने घर में ले आया और उससे अपना कोहलू हंकवाने लगा। विक्रमादित्य कोहलू हांकते जाते और शनि देव की स्तुति राग दीपक में गाते जाते। हाथ पैर सब टूट गए थे तेली घर को लुहा के, भंडारे जो खिलवाता था आज कर रहा खुद फाके। शनि देव मुझे क्षमा करो, ये राग दीपक गाते थे, नगर की राजकुमारी को ये स्वर बहुत ही भाते थे, इसी से तो मैं विवाह करूंगी, हाँ इसी से तो मैं विवाह करूंगी, उसका ये अरमान है। भवसागर से पार हुआ वो जिसने किया गुणगान है, जिसने किया गुणगान है। सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा भक्तों बड़ी महान है, भवसागर से पार हुआ वो जिसने किया गुणगान है, जिसने किया गुणगान है। सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा। नगर की राजकुमारी को विक्रमादित्य की आवाज इतनी अच्छी लगी कि उसे बिना देखे ही उसने उससे विवाह करने की ठान ली। परंतु विवाह के दिन जब राजा ने बिना हाथ पैर वाले वर को देखा, तो राजा ने विवाह को मना कर दिया। इधर विक्रम ने सच्चे हृदय से एक बार फिर शनि देव की आराधना की, तो शनि देव ने उस पर से अपनी वक्र दृष्टि हटा ली और साढ़े साथी भी समाप्त कर दी। जो ही शनि देव की शुभ दृष्टि पड़ी, विक्रम को पहले जैसा सुंदर स्वरूप मिल गया, खोया हुआ राज्य वापस मिल गया।
बस अब क्या था, नगर के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह विक्रमादित्य के साथ बड़ी धूमधाम से किया और ढेरों उपहार देकर उन दोनों को विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य रानी सहित अपनी राजधानी लौट आए। वक्र दृष्टि जब हटी तो भक्तों हाथ पैर वापस आए, खोया राजपाट भी विक्रम देखो फिर से थे पाए। धूमधाम से शादी करके पत्नी सहित वापस आए, आते ही फिर नगर मध्य में शनि मंदिर एक बनवाए। है शनि देवा नव ग्रहों में, है शनि देवा नव ग्रहों में, भक्तों सबसे महान है। भवसागर से पार हुआ वो जिसने किया गुणगान है, जिसने किया गुणगान है। सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा भक्तों बड़ी महान है, भवसागर से पार हुआ वो जिसने किया गुणगान है, जिसने किया गुणगान है। सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा। अब राजा विक्रमादित्य सपरिवार हर शनिवार को शनि मंदिर जाते, शनि देव को तेल से स्नान करवाते, लोहा तिल तेल उड़द का भोग लगाते, उन्हें नवीन काले वस्त्रों से सुसज्जित करते, काले चने बैंगन और सरसों के तेल में बने पकवानों का भोग भंडारा बनाकर गरीबों को खिलवाते। इस तरह वो जीवन पर्यंत शनि देव के कृपा पात्र बने रहे। और भक्तों, यह कथा हमें यह संदेश भी दे गई कि नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ तो शनि देव ही हैं। तो बोलिए मेरे साथ, भगवान शनि देव महाराज की। लोहा तिल और तेल उड़द भी शनि देव को भाते हैं, हर शनिवार जो शनि देव को ये अर्पित कर जाते हैं। चंदन तिलक लगा के शनि की आरती चालीस गाते हैं, शनि देव के द्वादश नामों को मन से जो ध्याते हैं, शनि देव की कृपा पाते, शनि देव की कृपा पाते। करे शनि कल्याण है, भवसागर से पार हुआ वो जिसने किया गुणगान है, जिसने किया गुणगान है। सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा भक्तों बड़ी महान है, भवसागर से पार हुआ वो जिसने किया गुणगान है, जिसने किया गुणगान है। सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा। नीलांजना समभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसंभूतं तं नमामि शनेश्वरम्।